अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राजा हसन। सो एक भाई के कमेंट आया था कि यार भाई आप ना हमें खड़े होने का तरीकाकार बताएं कि हम स्नूकर गेम कैसे प्ले करें, कैसे खड़े हों, हमारा क्या स्टाइल होना चाहिए स्नूकर गेम के लिए, और ग्रिप का बताएं कि क्योंकि ग्रिप किस तरह की होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, तो इस वीडियो में भी यही कहूँगा कि मैं कोच नहीं हूँ, मैं एक प्लेयर हूँ। जितना मुझे पता है बिगनर्स के लिए इंशाल्लाह ताला मैं बताता रहूँगा, और जो मैं बताऊँगा बिगनर्स के लिए तो वो कोच से 19-20 का फ़र्क ही होगा। बाकी जिन्होंने प्रोफेशनल गेम खेलनी है उनको ज़रूर कोच चाहिए, वो कोच से रब्ता करें। चले आपको बताते हैं। सो अभी हम सबसे पहले करेंगे क्यू का ग्रिप। ये क्यूज़ वगैरह पड़ी हुई है, इसमें से कोई ना क्यू उठा लेते हैं। ये क्यों उठा लेते हैं जी, वन पीस क्यू है। अब सबसे पहले मैं आपको इसका बताऊंगा क्यू पकड़ने का तरीका कार के आपने क्यू की ग्रिप किस तरह करनी है, किस तरह से क्यू को पकड़ना है। गाइस ये देखें आप, ये क्यू का ना अक्सर आप देखते हैं कि कट सा बना होता है एक ना, और ये इधर एरोज वगैरह होते हैं, और हमेशा जब भी कोई प्लेयर देखता है वो क्यू ऐसे देखता है और कहता है यार बड़ी ज़बरदस्त क्यू है। तो आपका जो ये जो चीज़ होती है ना, ये लाइन्स वगैरह, इसी के हिसाब से आपने अपने क्यू की ग्रिप करनी है। इसको हमेशा से ऐसे सीधा रखेंगे, जब आपने क्यू को पकड़ना है ना इसको सीधा रखना है, इसका मुंह ऊपर रखना है कट का, और इसको आपने ग्रिप करना है ऐसे। और ये जो दो उंगलियां है ना, आपका थंब और ये फिंगर, फर्स्ट फिंगर, ये आपने ऐसे लॉक कर लेनी है। अब ये देखें ये लॉक हो चुका है बिल्कुल, ये क्यू आपका इसमें लॉक हो चुका है, और ये चीज़ ऊपर, और आपने इन तीन फिंगर्स को थोड़ा सा रहना ईजी रखना है, जोर नहीं लगाना, जोर से नहीं पकड़ना, इनको थोड़ा सारा इजी रखना है। ये ग्रिप कर लीजिए आपने, आपने इस तरह इजी सा रखना है, और फिर आपने अपने स्टांस भी आ जाना है। ये है जी क्यू पकड़ने का सही तरीका। ग्रिप को इस तरह लॉक किया आपने सबसे पहले, फिर इसको थोड़ा सारा इजी रखा, और ये आपका क्यू पकड़ने का तरीका कार। अब आते हैं स्टांस की तरफ, आपका तरीका कार क्या है खड़े होने का। ये मैंने बॉल रख दिया बिल्कुल सीधा मिडल में ऐसे बिल्कुल, अब ये मेरे सामने बिल्कुल स्ट्रेट बॉल है। आपने सबसे पहले क्यू अपने ग्रिप की बिल्कुल सीधी, इसके नीचे राइट फुट अपना बिल्कुल सीधा नीचे रख दिया, जिस एंगल पे आपका शॉट है उस एंगल पे आपने अपना राइट फुट रखना है बिल्कुल सीधा, और सेकंड जो लेफ्ट है आपका वो थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड पे लेके जाके थोड़ा सा आगे रखना है इस तरह से, और इस लेग को आपने बिल्कुल सीधा रखना है, उसको बेंड कर लेना है। बेंड करके हाथ आपका बिल्कुल सीधा आना चाहिए इस तरह से, आपका सर बिल्कुल सीधा, चिन जो है आपकी क्यू के ऊपर होनी चाहिए, और बिल्कुल आपका सीधा मुंह होना चाहिए, और जो एल्बो है आपकी वो भी बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए। देखिए मैं एक बार आपको बताता हूँ खेल के, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग नोट करना और आप लोगों को फील होगा। बाकी पहले तो ये अपने रैंडम जो इनका स्टाइल है उसी स्टाइल पे इनको लेके आएंगे। ये लेकिन शॉर्ट नहीं प्ले करना, खाली क्यों करें अपने स्टाइल में आप। ये भाई अपने स्टाइल में आ गए, अब भाई यार आपने काम करना है ऐसे ही हवा के अंदर हाथ कर लेना है, जैसे ये है ना ऐसे क्यूइंग कर रहे हैं ना, क्यूइंग करते करते हवा में हाथ करके क्यूइंग कर लिया ऐसे करे, ये भी उठाए, नहीं हो रहा इनसे, नहीं हो रहा ना, आगे गिर रहे हो। अब दोबारा आपके शॉट पे आए, पहले ये चीज नोट कर ली आपने। सेकंड, अब ये शॉट पे है, अब मैंने इनको आराम से हिलाया और ये आराम से हिल गई। अब जो मैं स्टांस बताऊंगा, अब यही चीजें मैं सेम बताता हूँ आपको। अब मेरा स्टांस बिल्कुल करेक्ट है, मैं अपनी स्टाइल मेरा बिल्कुल ठीक है। अब मैं अपने शॉट पे आऊंगा, और ये मैं शॉट पे आया हूँ, मैं इजीली ये अपनी क्यूइंग कर रहा हूँ, ना मैं आगे गिर रहा हूँ ना मैं पीछे गिर रहा हूँ। और दूसरा सेकेंड, अब आपने पता क्या करना है, इधर है इधर से आके ना जब मैं शॉट पे आऊंगा ना आपने मुझे इधर से हिलाना है, ठीक है, लाने की कोशिश कर रही है। अब ये मैं आया हूँ शॉट पे, चल हिलाई करा, इन्होंने मुझे हिलाया लेकिन मेरी बॉडी बिल्कुल मजबूत थी, स्टांस मेरा बिल्कुल परफेक्ट था, मेरा बैलेंस पूरा था अपनी बॉडी पे। इनका स्टाइल ठीक नहीं है खेलने का, इनको मैंने आराम से हिलाया और ये हिल गए, और इन्होंने मुझे जोर लगाया थोड़ा लेकिन मेरा बैलेंस ठीक था, मेरा स्टाइल ठीक था इसी। और आप जितने इस टाइम प्रोफेशनल प्लेयर्स देखेंगे, पाकिस्तान के प्लेयर्स देखेंगे, कोई भी प्लेयर्स देखेंगे, उनका स्टाइल सबका एक जैसा होगा, सबके सब प्लेयर्स का स्टाइल एक जैसा होगा। तो गेम बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट होती है, और इंप्रूवमेंट होती जाती है गेम के अंदर। चले अब इनका हम चीज करते हैं स्टाइल। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ग्रिप का,
अभी आपने थ्री फिंगर्स जो है अपने पीछे इजी रखनी है, आपने जोर नहीं लगाना, इसको इजीली आपने इस तरह करना। सबसे पहले ये आए थोड़ा आप, अब जो राइट घुटना है ना आपका, तो बिल्कुल इस हाथ के नीचे रखिए। अब आप इधर ही अपना पांव सीधा रखो, ये सीधा आ गया। अब सेकंड आप आगे ले, वो सीधा रहने दो, इसको सीधा रहने दो, इसको आगे करें, इधर थोड़ा सा ओपन करो, ठीक है। अब इसको सीधा रखना है, इसको बेंड कर दें, बेंड कर आगे, ये अच्छी लगी। क्लीन करें, सर आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए और ये चिन्ह आपकी इसके ऊपर हो। एल्बो आपकी सीधी नहीं है, एल्बो के लिए आप अपना शोल्डर उठाओ, शॉर्ट में ही रहो, शोल्डर उठाओ जरा, ये आपकी एल्बो सीधी होगी। आप बिल्कुल क्यों करो इधर कर रहे हैं, और ये एक दिन में नहीं होगा, इनको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब जरा हवा में उठा के आप ट्राई करो, हाँ अब हवा में उठाओ जरा हाथ को, कोनी के साथ कोनी में उठा ले ऊपर, ऐसे पहले से ईजी हुआ जी, पहले से ईजी हो, अब तो नहीं गिर रहे आगे पीछे, अब आप अपने प्रॉपर स्टाइल पे खड़े हो, इस वजह से नहीं गिर रहे। अब आप स्टांस पे हो, देखना आपकी बॉडी भी कितनी मजबूत हुई होगी। अभी आपको फील हो रहा है पहले से ज्यादा मजबूती है ना? दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ, सबसे पहले आपने क्यू रखना है ऐसे बिल्कुल सीधा, आपने अपना ग्रिप कर लिया, वो इजीली पकड़ लिया। ये सामने मैंने फर्स्ट फुट रखा राइट साइड वाला, लेफ्ट थोड़ा सा ओपन किया मैंने और ये लेफ्ट पे ले गया, और ये दोबारा पूरा स्टांस पे आया। एल्बो मेरी बिल्कुल सीधी है, एल्बो नोज और ये स्टिक चिन्ह आपके साथ, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाने चाहिए, फ्रंट से आए, एक मिनट सामने आता, मेरा नोज, मेरा हेड और ये एल्बो, ये सारी लाइन में होगी। ये देखें जी बिल्कुल सीधा लाइन में है, और मिनिमम आपने 3 टाइम लाजमी क्यूइंग करनी है, और जब हिट करनी है उससे पहले पॉज लेके आना है, पॉज के बाद आपने उसका हिट कर दिया। सो गाइस, आपने अभी तक सारी चीज़ें देखी हैं, स्टांस भी देखा आपने, खड़े होने का तरीका कार, उसके बाद आपकी एल्बो सीधी होनी चाहिए, क्यूइंग का आपको बताया कि जब आप शॉट पे आते हैं, जब आप शॉट की प्ले करने के लिए आते हैं, मिनिमम आपने 3 टाइम क्यूइंग लाजमी करनी है, उसके बाद आपने पॉज लेके आना है, पॉज के बाद आपने हिट करना है, तो आपका हिट प्रॉपर होना चाहिए, जिधर आप खेल रहे हैं उसी जगह पे आपका हिट होना चाहिए। इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस में मैं गाइड करता रहूँगा। तो अगर तो आप लोगों को सही तरह समझ आई है, जितना मैं बता सका हूँ उतना मैंने बताया है, तो शायद कुछ कमियां मेरे में भी हैं क्योंकि मैं छोड़ चुका हूँ गेम, तो मैं अब दोबारा से स्टार्ट की है, तो मैं अपनी भी कमियाँ दूर करूँगा और आप लोगों को साथ साथ बताता भी रहूँगा। थैंक यू सो मच आप सबका। इससे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने, और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना है। तो अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, तो इंशाल्लाह ऐसे ही चीज़ें बताता रहूँगा, कमेंट्स में पूछते रहें आप लोग। बहुत शुक्रिया आप सबका एंड तक वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।